हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज कुछ मस्ती करने के लिए इधर आ गए हैं, मेरे साथ हैं मनोज जी जो मेरे सहायता करते हैं। तो आज आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कुछ टॉपिक और कुछ कमेंट्स के जवाब देंगे इस वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों की सोच है कि ये जो 12,000 की वैकेंसी आई है इसमें जेटेड पास वालों के लिए है या फिर जेटेड पास वालों के लिए नहीं है, सीधी भर्ती किसके लिए है, तो कन्फ्यूजन है। तो मैं इसको दूर करना चाहता हूँ कि सिर्फ जेटेड पास वालों के लिए ही यह वैकेंसी है जो JSSC परीक्षा लेगी। और ये 250 अंकों का होगा, मैं बता चुका हूँ पहले भी। और इसमें एक जरूरी बात है दोस्तों कि खोरठा को क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में रखा गया है, यानी कि खोरठा आपको सिर्फ पास होना है और 30% लाने हैं खोरठा में, यानी कि 15 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक तरह से झारखंड वासियों के लिए एक छलावा है। और खोटा ही नहीं, रीजनल लैंग्वेज, जितने भी रीजनल लैंग्वेज जो आप चुनते हैं, चूज करते हैं, उसमें आपको 30% लाना पड़ेगा, यानी कि 15 नंबर उसमें आपको हासिल करने होंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ छलावा नजर आ रहा है झारखंड वासी के लिए, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज अगर मेरिट में बनाया जोड़ा जाता तो कुछ झारखंड वासियों के लिए अधिक से अधिक फायदा होता। तो चलिए, यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि टेट पास वालों के लिए ही ये वैकेंसी है, 12,000 की वैकेंसी है। और इसमें पारा टीचरों के लिए 50% आरक्षण भी है जो पहले भी था। तो चलिए, आपके कुछ कमेंट भी आए हैं, जो कुछ सवाल किए हैं उसके बारे में भी कुछ हम बता देते हैं। तो सबसे पहले प्रियंका कुमारी का कहना है कि सर क्या ये टेट पास वालों के लिए है? तो बिल्कुल सही है कि टेट पास वालों के लिए ही यह वैकेंसी है, बिना टेट पास वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। अभी आपको टेट के लिए इंतजार करना होगा। अवध यादव कहते हैं परीक्षा कैसे होगी, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? तो अवध जी, परीक्षा ज्यादातर कम्पिटेटिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होती है, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव ही होगा। नेगेटिव मार्क रहेगा या नहीं रहेगा ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। आगे है मंतोष महतो, लेकिन सर अभी जो हाल ही में सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार 250 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मंतोष महतो जी, समझ नहीं रहे हैं, टेट का जो सिलेबस है वो अलग सिलेबस, और टेट पास होने के बाद ये JSSC जो परीक्षा ले रही है, मेन्स एग्जाम ले रही है, इसका सिलेबस अलग है, दोनों का सिलेबस अलग है। आप टेट वाले सिलेबस को मेन्स में ऐड मत कीजिए। टेट में आपको 150 नंबर का क्वेश्चन रहता है, अभी मेन्स में 250 नंबर का क्वेश्चन है, तो दोनों का सिलेबस में काफी अंतर है। तो समझने का प्रयास कीजिए कि किस एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं और किस एग्जाम के सिलेबस के बारे में जानना है। सुमा पाल कहते हैं कि सर अनिवार्य भाषा 50 मार्क का है, जो वह क्वालिफाइंग पेपर है क्या? तो यह क्वालिफाइंग पेपर ही है, प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिफाइंग पेपर ही है। अगर क्वालिफाइंग पेपर नहीं रहता तो और फायदा होता झारखंड के युवाओं को, क्योंकि अधिक से अधिक रीजनल लैंग्वेज का ज्ञान रखते हैं हम लोग अपने क्षेत्र के भाषा का, इससे बाहरी लोगों को फायदा अधिक से अधिक होने वाला है। जितेंद्र कुमार कहते हैं आउट ऑफ झारखंड वाले दैट सेम है, मतलब झारखंड के बाहर और झारखंड के अंदर वाले भी सेम है। तो सेम है, यहाँ पे किसी के लिए कोई कानून वैसा तो नजर नहीं आता कि बाहरी लोगों के लिए 10% है, झारखंड वाले के लिए 95% है, वैसा तो कोई रूल है नहीं। कम्पिटेटिव एग्जाम है, कोई आ जाओ, झारखंड का दरवाजा तो हमेशा खुला है। हाई स्कूल में उसी तरह था, यहाँ पर भी उसी तरह कुछ होने वाला है। सीमेंट कीरो लिखते हैं, लेकिन JSSC विभाग और रघु बाबू बिना पैसे लिए रिजल्ट का डिक्लेयर ही नहीं करते, बाहरी लोगों को बहाली होगी, एग्जाम पास होने के बाद भी पोस्ट खाली रह जाएंगे। तो बाहरी लोगों को फायदा तो झारखंड में हो ही रहा है, और झारखंड के लोग नौकरी कहाँ ले रहे हैं? बाहरी लोगों के लिए ही ज्यादातर रोजगार नौकरी यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है, वैसे नियम ही बनाया जा रहा है जिससे बाहरी लोगों को फायदा पहुंच रहा है, हम लोग को किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। संतोष कुमार कहते हैं खोटा भाषा में ही समझाइए। तो ठीक है संतोष जी, लेकिन हिंदी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, खोटा पढ़ाने के लिए हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा, तभी तो लोग समझ पाएंगे। खोटा को खोटा में समझाओगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे। प्रकाश कुमार पासवान कहते हैं कि सर बहुत कम है, 12 में 6 पारा का है और बचा 6 में 3 महिला का है। तो 12,000 में 6,000 पारा टीचर है और 6,000 में 3,000 महिला है। तो जो भी हो, जितने भी सीटें सरकार निकालती है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा का जैसा हाल है। 1,00,000 टेट पास और 12,000 की वैकेंसी, और 12,000 में भी फिर ST SC OBC जनरल कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, विकलांग महिला, इस तरह से करके बहुत कम सीट मिलने वाला है। तो हमें एक सीट की जरूरत है, आपको भी एक सीट की जरूरत है, तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी में लग जाइए,
कि हमें एक सीट की जरूरत है, 12,000, 6,000, 3,000 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक सीट चाहिए। ठीक है, शशि सिंह लिखते हैं नाइस वीडियो, थैंक यू शशि सिंह। फिर शशि सिंह लिखते हैं कि सर आप जेटेट की सब्जेक्ट की तैयारी करवाएं, तो जेटेट की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाएं, तो अभी तक जेटेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, थोड़ा स्लो है हम भी, और वैसे हम सब सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। सुमा पॉल लिखते हैं सर जेटेट मेंस 6 to 8 की तैयारी करवा दीजिए प्लीज। तो जेटेट मेंस सुमा पॉल जी जरूर करवाएंगे 6 to 8 की तैयारी जेटेट मेंस का, क्योंकि मैं खुद 6 to 8 की तैयारी करने वाला हूं। तो आप किसे नहीं तैयारी करोगे, आप भी करोगे मेरे साथ। ज्योति कुमारी जी लिखते हैं सर आप आंसर पहले से क्यों लिख देते हैं, आंसर हम लोग गेस करते हैं। तो ज्योति जी ठीक है, आपसे मैं ऐसा नहीं करूंगा, आंसर पहले से बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप गेस कीजिएगा तभी मैं आंसर बताऊंगा। तो बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया है और बहुत सारे साथियों ने मुझे सराहा है। चंदन जी आर्या कहते हैं कि अंगिका लैंग्वेज के बुक के और राइटर का नाम बताइए। तो चंदन जी अंगिका लैंग्वेज के बुक और राइटर के नाम कोशिश करूंगा मैं बताने। तो बहुत हमारे वीडियो को सराहा जा रहा है आप लोग से के द्वारा, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे सब्सक्राइबर को कि आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगता है और मैं प्रयास करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे और इसका मुझे कुछ बेनिफिट मिले कि हमारे वीडियो देख रहे हैं आप लोग और आप लोग को फायदा मिल रहा है, तो मुझे और भी ऊंचे मनोबल से और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए आपको एक ही काम करना होगा कि लाइक करना होगा और शेयर भी करना होगा। तो चलिए यहाँ पर तो क्लियर हो गया, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं, अगले दिन मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।